परिस्थितियां हमेशा आपकी परीक्षा लेती हैं और जो समय है वो समय समय पर आपको इशारा करता रहता है कि आपको करना क्या है। लेकिन उस एक वक्त में अगर आपने अपना धैर्य बनाए रखा तो वो जो बीज धरती के अंदर अंकुरित हो चुका है वो धरती के बाहर फाड़ कर निकल जाएगा और मंजिल आपके सामने होगी। सफ़र में धूप होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, जो निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली की ये लाइनें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज सिंह और छत्तीसगढ़ पीएससी सीएससी 2019 में मुझे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए पोस्ट और रैंक मायने नहीं रखती है, क्योंकि जिस उम्र में लोग हताश हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, मैंने उस उम्र में तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में ये पोस्ट हासिल की है। 2 साल पहले 2019 की शुरुआत में मैंने 37 वर्ष की उम्र में इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी और कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम 1 साल डिले हो गया और अब जब इसका रिज़ल्ट आया है तो मेरी उम्र 39 साल प्लस हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र और जो परिस्थितियाँ हैं वो मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है तो वह है आपका जोश और किस तरह से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित दिखाई देते हैं। तो अगर मैं अपने जर्नी की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता था जो कि बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। मेरे परिवार में मेरे 4 भाई और उसके अलावा चाचा का 1 लड़का और माता पिता, कुल 7 लोग सिर्फ 1 कमरे के मकान में रहते थे। मेरे पिता अधिवक्ता थे और उन्हीं की कमाई से पूरा घर चलता था, लिहाजा स्कूलिंग कब हो गई और उसके बाद कॉलेज कब पहुँच गए पता ही नहीं चला, और ये भी पता नहीं चला कि आखिरकार पढ़ के हमें करना क्या है। जब ग्रेजुएशन किया तो फिर बात कमाई की आई, तो ग्रेजुएशन करने के ठीक बाद से ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। 2002 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैं लगातार काम करते रहा और 2005-06 से मैं सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया और छत्तीसगढ़ में मैंने 15 वर्षों तक पत्रकारिता की। इस दौरान जब लगातार कुछ अधिकारियों से संपर्क हुआ तो कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया और उन्होंने कहा कि आप भी एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। शुरू में मैंने इन बातों को कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बीज कहीं ना कहीं आपके अंदर डल जाता है और वो कब पनप जाता है आपको भी पता नहीं चलता। 2019 की शुरुआत में ऐसा लगा कि अब मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो 3 साल तक के लिए बचे हुए हैं। आपको पता है कि स्टेट सर्विसेज में जो अटेम्प्ट्स हैं वो 40 साल तक होते हैं, तो मुझे लगा कि 3 साल के आसपास मुझे प्रयास कर लेना चाहिए ताकि अगर मेरे मन में ये है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ और मैं ये एग्ज़ाम नहीं देता हूँ तो बाद में ये गिल्ट फील ना हो कि काश मैंने वो किया होता। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद मैं पूरी तरह से तैयारी में उतर गया और इस तैयारी में ये फल हुआ कि पहले ही प्रयास में मुझे एक पोस्ट मिल गई, जिससे मेरा हौसला अब काफ़ी बढ़ चुका है। तो घर की बात मैं कर रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी जिसके लिए मुझे जॉब करना पड़ा था। जॉब करते करते एक दौर ऐसा आया था जब मैं लगातार पत्रकारिता तो कर रहा था लेकिन परीक्षा के लिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू कर दिया था, और इस दौरान मेरे संपादक ने एक बात मुझसे कही जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। मेरे संपादक ने यह कहा कि अगर तुम इतने ही पढ़े लिखे होते तो तुम पत्रकार नहीं होते। ये एक तरह से चैलेंज आ गया था मेरे सामने कि क्या मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिना पढ़े लिखे ही पत्रकारिता कर रहा हूँ। और उस एक बात ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर के का जो वो बीज था उसको पनपना शुरू कर दिया और मेरे मन में आ गया कि अब तो मैं पढ़ लिख के ही दिखाऊंगा, और इस तरह से धीरे 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 मैं आगे बढ़ता गया। इस पूरे प्रयास में जाहिर सी बात है 37 साल की उम्र हो गई थी, 2 छोटे बच्चों का मैं पिता हूँ, एक पति हूँ और एक घर का मुखिया भी हूँ। इन सारी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो ज़रूरत थी मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन कैसे मिलता, पढ़ते पढ़ते मैं भी एक आम एस्पिरेंट्स की तरह हताश हो जाता था, लेकिन 2 किताबों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूत अनोखो जयो, ये विवेकानंद की जीवनी है, और इसके साथ मानस का हंस जो तुलसीदास की जीवनी है। पूत अनोखो जयो विवेकानंद के संघर्ष की कहानी को बताता है और मानस का हंस तुलसीदास की कहानी को बताता है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को कठिन संघर्षों में भी खड़े रखा। और इसके बाद डॉक्टर आनंद कश्यप की गांधी चौक, जो कि छत्तीसगढ़ के सिविल एस्पिरेंट्स के ऊपर एक नॉवेल है, लिखी गई है। इन किताबों ने मुझे हमेशा मोटिवेट करने का काम किया, और जब भी मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा होता था या फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा तो मैं इन किताबों को पढ़ता था और मोटिवेट होता था। प्रॉब्लम्स लगातार आती ही हैं, वो कहते हैं ना कि अगर आप सीधी राह में चल रहे हैं तो मान के चलिए कि आप गलत राह में चल रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ते टेढ़े मेढ़े न हों और आपके राह में बाधाएँ ना आएँ तो आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं।
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार बाधाएं आती गईं। इसी दौरान मेरे माताजी का देहांत हो गया, जो कि मेरे जीवन का सबसे सबसे दुखद क्षण था, और शायद ही मैं अपने आप को संभाल पाता। लेकिन जाते जाते माँ ने कहा था कि मनोज, जो तुम सोच रहे हो उसको पूरा ज़रूर करना, और मैंने अपने माँ के लिए भी ये सपना पूरा करने की ठान ली और मैं लगातार अपना प्रयास करता रहा। इसके साथ ही मैंने जब 2002 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, फिर नौकरी करने लगा था, लेकिन नौकरी करते हुए भी मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। मैंने सबसे पहले BJMC किया, फिर MJMC किया, इस दौरान मैंने LLB भी किया और LLM भी किया। मैंने UGC NET भी क्लियर किया, छत्तीसगढ़ SET भी क्लियर किया, और मैं PhD में भी इनरोल्ड हूँ। तो अगर इस पूरी जर्नी के कंक्लूजन की बात करूं, तो परिस्थितियां हमेशा आपकी परीक्षा लेती हैं, और जो समय है वो समय समय पर आपको इशारा करता रहता है कि आपको करना क्या है। आपको ज़रूरत है बस उस एक इशारे को पकड़ने की और परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की। याद रखिए, जब भी आप कोई बीज बोते हैं तो उसे पनपने में बहुत वक्त लगता है, और जब भी वो बीज धरती को फाड़ कर बाहर निकलने वाला होता है, उसी एक क्षण आपको ये एहसास होता है कि अब आप आगे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस एक वक्त में अगर आपने अपना धैर्य बनाए रखा, तो वो जो बीज धरती के अंदर अंकुरित हो चुका है, वो धरती के बाहर फाड़ कर निकल जाएगा और मंजिल आपके सामने होगी। तो फिलहाल मेरी जर्नी में इतना ही।